बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से हर कोई हैरान है। हालांकि मुंबई पुलिस की जांच अभी भी चल रही है और आत्महत्या की वजह को खोजने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि उनकी मौत फांसी के फंदे पर लटकने की वजह से हुई है। अभी भी मुंबई पुलिस की जांच जारी है। दूसरी तरफ लोगों का सवाल गहराता जा रहा है कि आखिर डिप्रेशन के शिकार हो चुके सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की? आखिर वे किस बात को लेकर परेशान थे? सुशांत ने आत्महत्या से पहले जिन लोगों को फोन किया था उनमें से एक बेहद करीबी दोस्त महेश शेट्टी का भी नाम शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी खुलासा हुआ है कि महेश ही वो आखिरी शख्स हैं जिन्हें सुशांत ने आत्महत्या करने से पहले फोन किया था। हालांकि इनकी बातचीत नहीं हो पाई थी। महेश ने मीडिया में यह भी खुलासा किया था कि सुशांत ने पिछले कुछ दिनों से अपने डिप्रेशन को कम करने वाली दवाइयां ये कहकर छोड़ रखी थी कि वो अब ठीक हैं। महेश ने यह भी बताया कि जब सुशांत से महेश की आखिरी बातचीत हुई थी उस वक्त सुशांत कुछ निराशा भरी बातें कर रहे थे। हालांकि उन्हें कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर को सुनकर हर कोई चकित रह गया कि पर्दे पर लोगों को जिंदगी से लड़ने की प्रेरणा देने वाला अभिनेता असल जिंदगी से कैसे हार गया। पुलिस की ओर से सुशांत की मौत के बारे में जो शुरुआती जानकारी मिली उसके मुताबिक वो डिप्रेशन के शिकार थे और पिछले 6 महीने से उनका इलाज चल रहा था। वो लगातार डॉक्टर के संपर्क में थे। उनके करीबी रिश्तेदारों ने यह बात कही है कि इसी साल उनकी शादी होने वाली थी। वो नवंबर में शादी करने वाले थे। सुशांत के कमरे से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि लोगों के दिमाग में अभी भी यही सवाल है कि आखिर सुशांत ने सुसाइड किया तो किया क्यों।